ओम नमः शिवाय। जिस किसी पति या पत्नी को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी का या उसके पति का किसी गैर पुरुष या स्त्री के साथ गैर संबंध है, उन्हें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि उनके पति का या उनकी पत्नी का किसी दूसरी स्त्री या पुरुष के साथ चक्कर है, तो ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी पत्नी का या आपके पति का उस दूसरी स्त्री या पुरुष से जो नाजायज संबंध है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए और वो उसके पास कभी भी ना जाए। तो इसके लिए हमने पहले भी आपको एक विधि बताई थी, उस विधि के परिणाम बहुत ही अच्छे रहे। ये विधि भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं उस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। अपने पति या अपनी पत्नी के लिए आप इस विधि को कर रहे हैं तो आपको चाहिए एक कपूर। ये कपूर आपको किसी भी दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने कपूर लेनी है। इस कपूर को आपने क्या करना है, जिस रूम में सोते हैं उस रूम में आपने इस कपूर को जलाना है। चाहे आप इसे पूरी भी जला सकते हैं, चाहे दो भी जला सकते हैं, तीन भी जला सकते हैं, या आप इसे आधी भी जला सकते हैं। तो आपने सोने से पहले आपने रूम में इसे जलाना है। इसे आप फर्श पे रख के भी जला सकते हैं और आप इसे जो माटी के बर्तन आते हैं या जो माटी के दीपक होते हैं उसमें भी आप जला सकते हैं। इस विधि को आप रोजाना रात्रि में सोने से पहले करें। आप देखेंगे इस विधि के करने से जो आपका पति या आपकी पत्नी इन चक्करों में पड़े हुए थे, तो वे सभी उस दूसरी स्त्री या पुरुष को वो बिल्कुल ही भूल जाएंगे और वो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। तो आपने इसे जलाना है और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।